हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका, प्रियंकाज होम किचन गार्डन में आज आपका फिर से स्वागत है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो कर ही लें ताकि कोई भी वीडियो डालूं वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आज मैं बात करने जा रही हूँ सकुलेंट प्लांट की। सकुलेंट बहुत सारे वेराइटीज में आते हैं और इस टाइम में नर्सरी में बहुत सारे वैरायटी में उपलब्ध होते हैं। ये ऐसा मौसम है, इस टाइम पे सकुलेंट बहुत ही आराम से ग्रो हो जाता है। ये बेस्ट सीजन है सकुलेंट को ग्रो करने का। सकुलेंट को धूप पसंद होती है और इसे कम से कम 4 घंटे की औसतन धूप की जरूरत होती है। इस पौधे को इंडोर कभी भी ना रखें। अगर आप नया पौधा लगा रहे हैं तो ऐसे जगह रखें जहाँ सुबह की 1 से 2 घंटे की धूप लगती हो। सकुलेंट ऐसा पौधा है जिसे हर कोई अपने घर में लगाना पसंद करता है क्योंकि वो देखने में काफी खूबसूरत लगता है। इसके पत्ते गुदेदार होते हैं जिसे बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत पड़ती है। इस प्लांट को लोग खासकर ऑफिस टेबल, घर की खिड़की आदि जगहों पर लगाना पसंद करते हैं। ऐसे में अगर आप भी इस प्लांट को लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो हम आपको छोटे गमले में लगाने के तरीके और उसकी देखभाल करने के तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं। किसी भी नई जगह पौधे को लगाने के लिए मिट्टी का सही होना बहुत जरूरी है। यह प्लांट आसानी से लीफ प्रोपेगेशन से हो जाता है। सकुलेंट पौधा को लगाने के लिए अच्छी ड्रेनेज वाली टेराकोटा, प्लास्टिक या मिट्टी के गमले का सही होता है। इसके अलावा आप इस प्लांट में कभी भी गोबर खाद का उपयोग कभी भी गलती से भी ना करें, जिससे फंगस का खतरा बढ़ जाता है। आजकल सेरेमिक पॉट भी बहुत सुंदर सुंदर आते हैं, लेकिन सेरेमिक पॉट में इस प्लांट को लगाने से हमेशा बचें क्योंकि वह मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है और इस प्लांट को मॉइस्चर ज्यादा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दोपहर की धूप इस प्लांट में लगने ना दीजिए। अगर आप फुल्ली इंडोर इस प्लांट को रख रहे हैं तो ये ब्रांचेज इसकी लैगी हो जाएंगी और लैगी ब्रांचेज में जल्दी मरने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए फुल्ली इंडोर इस प्लांट को कभी भी ना रखें। अगर आप रख रहे हैं तो थोड़े थोड़े दिनों पे इसे धूप लगाते रहिए। हफ्ते में एक बार इसको बाहर निकाल के अच्छी धूप लगा दीजिए। आप जब भी इस प्लांट को नर्सरी से ला रहे हैं तो ध्यान रखिएगा उसमें किसी प्रकार का फंगस ना लगा हो। अगर प्लांट में कहीं से भी फंगस दिख रहा हो तो इस प्लांट की शॉपिंग कभी भी ना करें, क्योंकि सकुलेंट प्लांट की देखभाल करना बहुत ही दिक्कत वाली बात है। बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है इस प्लांट में, और ये प्लांट बहुत ही आराम से लीफ प्रोपेगेशन हो जाता है। इसकी पत्ती जहां भी गिरती है वहां से नए पेड़ निकल जाते हैं। देखिए, अभी मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए इसमें जड़ बन गई है और नए नन्हे से छोटे पौधे निकलना भी शुरू हो गए हैं। अगर आपका प्लांट बहुत लैगी हो चुका है तो इसको आप कटिंग कर दीजिए। कटिंग से भी बहुत ही आसानी से लग जाता है। ये फरवरी का महीना वेस्ट टाइम है। देखिए, मैं यहाँ से कट कर दी थी और नीचे से इसमें बहुत सारे ब्रांचेस निकल चुके हैं। ये बहुत ज्यादा लैगी हो गया था, बस नीचे से एक अस्टिक ही दिख रहा था। अगर यहाँ से मैं जब कट कर दी तो यहाँ से इसमें ब्रांचेस निकलने लगे और जो कटिंग था उससे मैं नया पौधा तैयार कर ली हूँ। और पत्ते से तो ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो ही जाता है। सकुलेंट प्लांट में कीड़ों का भी खतरा बहुत रहता है। ऐसे में प्लांट्स में सबसे ज्यादा मिलीबग का खतरा रहता है। अगर आपके प्लांट्स में भी मिलीबग लग गया है तो इस प्लांट में नीम ऑयल या बेकिंग सोडा को पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। जब कीड़े का अटैक ज्यादा हो तब सप्ताह में 2 बार छिड़काव करें। अगर इसके अलावा अगर आप केमिकल का उपयोग करना चाहते हैं तो आइसोप्रोफाइल सबसे बेस्ट है। इसका छिड़काव 15 दिन में एक बार जरूर कर लीजिए, जिससे ये बहुत आसानी से मिलीबग हट जाते हैं। ये एक नए तरीके का प्लांट है। ये इचेवेरिया की फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन ये प्लांट लीफ से प्रोपगेट नहीं होता है। इसके नए नए शूट्स नीचे से निकलती रहती हैं। देखिए, यहाँ से नीचे नीचे से शूट्स इसकी निकल रही हैं और बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। जितना जल्दी ये प्लांट ग्रो होता है उतना जल्दी ये मरने की सिचुएशन में भी आ जाता है। इसकी बहुत देखभाल की जरूरत पड़ती है। ना ज्यादा धूप पड़नी चाहिए, ना ज्यादा पानी डालिए। अगर आप ओवर वाटरिंग भी कर दिए तो ये प्लांट तुरंत में गलने लग जाती है।
अगर आपके प्लांट में कीड़े का अटैक नहीं है तो आप गलती से भी किसी भी तरीके का स्प्रे ना करें। ये देखिए एक कैक्टस की वेराइटी है, इसमें कांटे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। देखने से भले ही कांटे लग रहे हैं लेकिन ये कांटे इसमें बिल्कुल नहीं होती है और देखने में बहुत सुंदर होता है। ये मैं कुछ ब्रह्म कमल की लीव्स लगा दी थी, ये भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो रहा है। देखिए ये भी अब फैलने लगा है। ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हैंगिंग बास्केट में बहुत ही सुंदर लगता है। ये मेरे पास पहले बहुत बड़ा था, अब ये प्लांट खराब हो गए थे तो मैं इसकी कटिंग लगा दी। अब देखिए ये फैलने लगा है, इस सीजन में बड़ी तेजी से फैल जाएगा और बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स छोटी से छोटी कटिंग भी ले लीजिए तो बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाता है। और हैंगिंग बास्केट में तो इसकी सुंदरता देखने ही बनती है, बहुत सुंदर लगता है इसके गोल गोल पत्ते। ये मैं सिरेमिक पॉट में लगाई हूँ। वैसे सिरेमिक पॉट में कभी भी सकुलेंट की वैरायटी को लगाना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें मॉइस्चर का लेवल बहुत ज़्यादा रुका रहता है, इसमें पानी होल्ड हो जाता है और अच्छे से ड्राई नहीं होने के कारण ये पौधा जल्दी खराब हो जाता है। और बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो रहा है। इस प्लांट को मैं ऐसे जगह रखी हूँ जहाँ बहुत ही तेज धूप भी नहीं लगती है और बहुत कम धूप भी नहीं लगती है, इस तरह की छोटी पत्तियां इससे ग्रो नहीं होंगी। देखिए इसकी सफाई का भी बहुत ध्यान रखें, इसके पत्ते पे मिट्टी धूल मिट्टी बहुत जल्दी जम जाती है तो इसको ब्रश की सहायता से इस तरीके से साफ कर दीजिए तो बहुत ही आसानी से साफ हो जाती है। अगर आपके प्लांट साफ नहीं हो रहे, ज्यादा ही मिट्टी जम चुकी है, गंदगी बहुत ज़्यादा हो गई है तो आप इस पे तो स्प्रे कर नहीं सकते हैं तो फिर सफाई कैसे करेंगे। ब्रश को पहले पानी से गीला कर लीजिए और एक एक पत्ती इस तरीके से सभी पत्तियाँ पोंछ दीजिए तो जितनी भी धूल मिट्टी है वो सभी हट जाएंगी और साफ हो जाएंगी। पत्तियाँ साफ रहेंगी तभी तो वो खाना बना पाएगी और अपने प्लांट अच्छे स्वस्थ रहेंगे और अच्छे से बढ़ेंगे भी। अगर पत्तियाँ ही खराब रहेगी, खाना नहीं बना पाएगी पत्तियाँ, तो फिर खराब प्लांट को खराब होने का चांसेस भी बढ़ जाता है। इस तरीके से सभी प्लांट को मैं इस तरीके से साफ कर दी हूँ और देखने में ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है। जितना ज़्यादा देखने में खूबसूरत लगता है उतनी ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत है, ना ज़्यादा धूप की ज़रूरत है ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। इसको ऐसे जगह रखें जहाँ सुबह की इस प्लांट को ऐसे जगह रखें जहाँ सुबह की 2 से 4 घंटे की धूप लगे, वो बहुत अच्छी होती है इसके लिए। दोपहर की धूप बहुत ही काफी नुकसानदेह होती है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।